वापस स्टार्ट कर दें इनकम टैक्स को। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया, हो चुका होगा, एक बार बताओगे, कंफर्म करोगे सर? रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा। ओके सर, ठीक ठीक है सर। तो देखो सर, आज इनकम टैक्स में जो टोटल इनकम डिस्कशंस मैंने स्टार्ट किया था ना, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, मतलब अगर आपके सामने वैरायटीज ऑफ इनकम के बारे में बता दिया जाए, अगर किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस, सिटीजनशिप स्टेटस के बारे में आपके सामने इंफॉर्मेशन दिया जाए, तो ऐसे सिनारियों में आप कैसे किसी भी इंडिविजुअल्स का टैक्स लाइबिलिटी ए टू जेड कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके आप कर सकते हो, तो वैसा ही एक टॉपिक मैं आज डिस्कस करूंगा क्वेश्चन आंसर के जरिए। ठीक है, तो क्या है ना, प्रोविजंस क्या है पढ़ तो लेते हैं, बट उसके बाद प्रोविजंस में एक चक्कर है कि जब तक उसका यूज ना हो तो समझ में नहीं आता कि इस प्रोविजंस का करे तो क्या करे, है ना। तो वही जो प्रोविजंस मैंने लास्ट दिन आपको लिखा था, आपके पास नोट्स होगा सर, बहुत ही वाइटल नोट्स है। अब आगे आगे मैं एक एक करके हर एक पॉइंट्स में बात करूंगा, तो आज कुछ क्वेश्चन आंसर के जरिए मैं आपको एक कंप्लीट क्वेश्चंस का आइडिया देना चाहूंगा। ऐसे कंप्लीट क्वेश्चन मतलब कंप्लीट इनकम टैक्स कैलकुलेशंस का जो ए टू जेड तरीका है, ठीक है। अब उसमें अलग अलग क्वेश्चंस में आपको अलग अलग वैरायटीज मिलेगा, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट सिनेरियोस आपके सामने अवेलेबल हो सकता है। तो अलग अलग सिनेरियो में आप एक टोटल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे किस तरह का कॉन्सेप्ट को यूज करोगे, क्या करोगे, उसी के बारे में चर्चा है। चलो ठीक है, मैं एक स्टार्ट करता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा धीरे धीरे कि किस तरह से होगा। लास्ट वीक मैंने बेसिक का क्लास नहीं ले पाया था सर, ड्यू टू सम फीवर, मेरे को फीवर हो गया था और गला में बहुत ज्यादा दर्द हो गया था, तो मैं इस वीक में लूंगा। ऐसे तो इस वीक में सरस्वती पूजा है, बट आई होप कि सरस्वती पूजा के बाद मुझे जरूर टाइम मिलेगा और मैं क्लास लूंगा सर। ठीक है, मतलब बेसिक्स भी उधर से अलग, जो क्लास बेसिक्स का मैंने दिया वहां से भी हम लोग अलग करके बेसिक्स को डेवलप करेंगे सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों के साथ, मुझे एक बार बताओ ना। यस सर। अच्छा, सरस्वती पूजा से याद आया, आप सबको आना है सरस्वती पूजा के दिन, ठीक है, साल भर मिलो ना मिलो सरस्वती पूजा में जरूर मिल लेना सर एक दिन, ठीक है, क्योंकि वो दिन स्टूडेंट टीचर और माँ के बीच में एक अलग ही रिश्ता बनाता है। ठीक है, तो जो कहीं पर भी हो, शालिनी आ गया कोलकाता, कब नो आएगा, सर, कब आना है, फेब्रुआरी फरवरी में। में, मतलब सरस्वती पूजा में तुम उधर बिहार में ही रहोगे। यस सर। अच्छा ठीक है, हो सके तो एक दिन आके घूम के चले जा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है सर। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, स्क्रीन तो शेयर किया हुआ है, ठीक। तो जैसे कि आप सबको मैं लास्ट दिन करीब कितना स्टेप्स दिखाया था, 15 स्टेप्स में पूरा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, है ना, कि किस तरह से एक इंडिविजुअल का टोटल इनकम कैलकुलेट करना चाहिए, उसके ऊपर मैंने एक पूरा लिस्ट स्टेप वाइज मैंने आपको बता के रखा था। अब धीरे धीरे ये जितना स्टेप्स है ना, इसको ऐसे स्टेप वाइज याद रखने का जरूरत है नहीं, मतलब ये जस्ट आपके पॉइंट्स रिमेम्बरिंग के लिए है कि आप कैसे कैसे स्टेप फॉलो करके हम लोग इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन पे पहुंचते हैं, उसका एक समरी नोट चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको जहां लेके जा रहा हूं उसमें ही सब स्टेप को फॉलो करते ही अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम लोग पहुंच जाएंगे कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करने के तरीके, ठीक है। अब चलो, तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट देखा था कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में, सबसे पहला काम होता है रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना, है ना, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि कितना हेड्स ऑफ इनकम है, उसको अलग करके क्लासिफाई करना। फिर जैसे ही उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है, जैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम हेड्स, जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना सर, सैलरी, बीपी, एचपी, कैपिटल गेन, हाँ, अदर सोर्स, उसको अलग करने के बाद इंडिविजुअल जो भी हेड क्वेश्चंस के अंदर रहेगा। अच्छा, जरूरी क्या है कि जब कंप्लीट इनकम का बात कर रहे हैं, क्या जरूरी है कि आपको हर एक हेड देखने को मिले, मतलब आपको सैलरी भी देखने को मिले क्वेश्चन के अंदर, आपको हाउस प्रॉपर्टी भी देखने को मिले, आपको प्रोफेशंस एंड बिजनेस भी देखने को मिले, आपको कैपिटल गेन भी देखने को मिले, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सब एक साथ मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं सर, ठीक है।
ज्यादातर केस में एनी टू एनी थ्री एनी फोर ऐसा ही देखने को मिलता है, एकदम कंप्लीट फाइव। क्योंकि देखो नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है, एक बंदा एक साथ सैलरी और बिजनेस कैसे करेगा, मतलब आप कहीं जॉब भी करते हो और अलग से बिजनेस भी करते हो, मतलब ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज है, ठीक है। मतलब इसीलिए ज्यादातर केस में आप सैलरी बीपी एक साथ नहीं देखोगे, ठीक है। हाँ, सैलरी के साथ हाउस प्रॉपर्टी इनकम बिल्कुल हो सकता है, आप जॉब भी करते हो, आपका घर भी है, आप भाड़े पे लगा देते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? बहुत पॉपुलर टेक्निक है ये, है ना। आप जॉब करते हो और आपका प्रॉपर्टी है, आप उसको रेंट पे लगा देते हो। रेंट लगाने से क्या होता है, आपको रेंटल इनकम मिल जाता है। ये सर नो, प्लीज टेल मी सर, है ना। तो एग्जैक्टली, तो क्योंकि आप सैलरी से कमा सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी से कमा सकते हो, बट हाँ इक्वली आप पीजीपीपी से भी इनकम कर सकते हो, साइड बाय साइड आप हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम कर सकते हो। अच्छा, आपका कोई कैपिटल एसेट होगा तो वहां से आप गेन भी कर सकते हो उसको सेल करके। अच्छा, आधा सोर्स तो सभी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है ना, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, ठीक है। अदर सोर्स इनकम का सभी के पास मौका जरूर होता है। तो कोई एनी थ्री एनी फोर एनी टू आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं क्या करूंगा, आपको ना रेसिडेंशियल स्टेटस पे फोकस करूंगा आज, ठीक है। ऐसे रेसिडेंशियल स्टेटस का स्पेसिफिक लेक्चर्स में रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर बेसिक में आपको बताऊंगा, बट डोंट वरी, ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर भी ना आपको उतना ही नॉलेज मिलेगा जितना मैं वहां पर स्पेसिफिक वे में बताता हूँ। उल्टा और अच्छा रहेगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस में तो मैं बस रेसिडेंशियल स्टेटस से बात करता हूँ, इनकम टैक्स में उसका पूरा फोकस नहीं करा पाता। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाके रेसिडेंशियल स्टेटस का इस्तेमाल एक टोटल इनकम कंप्यूट करने के टाइम पे कैसे करना होता है इसका भी आइडिया आपको लगेगा, ठीक है सर। तो स्पेसिफिक जब चैप्टर होता है ना तो उसमें टोटल के अंदर क्या हो सकता है ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन जब मैं टोटल इनकम का क्लास कराता हूँ तो उसमें मुझे एक सुविधा होता है कि मुझे ये मौका मिल जाता है आपको बताने के लिए कि अल्टीमेटली ये सभी पॉइंट का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन लिखे सर, एक क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ। लिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि लिखने से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लैरिटी से बैठ जाएगा। मेरे साथ क्वेश्चन भी लिखो और फिर उसका जवाब भी देना, ठीक है। गुड मॉर्निंग पंकज। ओके सर, मिस हार्ली, ठीक है, मिस हार्ली ऐसे ही एक नाम मैंने चूज किया, एंड यूके नेशनल्स, ठीक है, आप फिर आप ब्रिटेन भी बोल सकते हो, मतलब जैसे यूएसए होते हैं वैसे यूके भी हो सकता है, ऐसे हमारे इंडिया में भी यूके है, आपको पता है सर, इंडिया में यूके का नॉलेज है आप लोगों को, उत्तराखंड, हाँ सर, थैंक यू, ठीक है, गाड़ी के नंबर में भी दिखते को मिलता है यूके, हाँ, तब ये मत समझ लेना कि इंग्लैंड से आया होगा, वो तो हमारे देश से ही आया है सर, उत्तराखंड से। मिस हर्ली एंड यूके नेशनल्स, बट ये यूके नेशनल्स मतलब मैं फॉरेन बात कर रहा हूँ सर, उत्तराखंड नहीं, हाँ, यूनाइटेड किंगडम। तो मिस हार्ली एक यूके नेशनल्स हैं, गॉट मैरिड टू मिस्टर राधे, ऑफ इंडिया, ठीक है। मिस हार्ली जो यूके नेशनल्स है जिसने भारत के मिस्टर राधे से शादी किया, ठीक है। In UK, कब शादी किया, यूके में शादी किया, एज ऑन 2nd of March 2021 को शादी किया, कोई बात नहीं सर, कभी भी कर ले, उससे क्या फर्क पड़ता है। एंड केम टू इंडिया, और शादी करके वो भारत आ रहा है सर, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम
पहली पहली बार शादी करके भारत यात्रा कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा नहीं सर, हाँ ये हम लोग मतलब क्या कर रही है, भारत आ रहा है शादी करके, तो फर्स्ट टाइम भारत में आ रहा है एंड कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। कब आया सर? ऑन 16th of March 2021 को आया। ओके लेकिन आने के बाद फिर चला गया, ही लेफ्ट। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? सर हम लोग मिस हार्ली के बारे में बात कर रहे हैं। ही लेफ्ट फॉर यूके ऑन 19th of September 2021। मिस हार्ली ने 19 सितंबर 2021 को फिर से चला गया सर, ठीक है। सी लेफ्ट फॉर यूके ऑन 19 सितंबर 2021, लेकिन सर फिर रह नहीं पाया, फिर भारत आ गया सर। सी रिटर्न टू इंडिया, वापस भारत आ गया। सी रिटर्न टू इंडिया अगेन, ऐसे भारत जो एक बार आते हैं वो बोलते कि बार बार जाना है, जो सच्चे मन से भारत को समझ लेता। सी रिटर्न टू इंडिया अगेन ऑन 27th of March 2022 वाइल इन इंडिया। अब भारत में जब वो रहते हैं, वाइल इन इंडिया शी हैड परचेस्ड, अब भारत में कुछ खरीदा, क्या खरीदा? शी हैड परचेस्ड शोरूम, अरे वाह, एक शोरूम खरीदा सर। कहां पर? इंडिया में। इन इंडिया शी हैड परचेस्ड ए शोरूम इन मुंबई, मुंबई में एक शोरूम लिया। कहां लिया सर? भारत के फाइनेंशियल कैपिटल में लिया, है ना। फाइनेंशियल कैपिटल क्या है भारत का? मुंबई, है ना सर। कहते हैं कि सोलह है या बिजुरिया, दिल की नगरिया मुंबई नगरिया, ऐसे बोलते हैं सर। बोलते हैं कि सोने की राह पर सोने की जगह नहीं। आज उतना, आजकल उतना नहीं है, बट एक जमाना था सर मुंबई का, अभी भी है, चला नहीं गया। परचेस्ड शोरूम इन मुंबई ऑन 30th अप्रैल 2021, अरे वाह, शोरूम खरीद लिया मुंबई में। विच वॉज लीज आउट, अब वो जो शोरूम खरीदा है ना, शोरूम खरीद के उसको लीज पे दे दिया। लीज पे देने का मतलब लीज आउट टू वेल, रेंट। लीज देने का मतलब है रेंट पे देना। लीज आउट टू कंपनी, किसी को भाड़े पे दे दिया। ऐसे बहुत भाड़ा मिलता है सर मुंबई में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में। अगर भारत का इन सिंपल एवरेज वैल्यूएशन किया जाए, एवरेज वैल्यूएशन की, पूरा भारत में जितना सिटी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, है ना, उसमें नो डाउट मुंबई पहले आएगा। मुंबई के साथ आजकल बैंगलोर भी है, बट फिर भी एवरेज में मुंबई काफी आगे होगा, काफी आगे होगा, क्योंकि वो सब बॉलीवुड सुपरस्टार ये सब लोगों के कारण और ज्यादा। विच वॉज लीज आउट टू अ कंपनी ऑन रेंट, ठीक है। अब रेंट कितने में दिया सर? चलो देखते हैं कितने में रेंट दिया है। 25,000 पर मंथ माने रेंट ऑफ रुपीज 25,000 फ्रॉम 1st of May 2021, ठीक है। कब से रेंट दिया सर? 1st May 2021 से। शी हैड टेकन ए लोन, कुछ लोन भी लिया है, बाप रे, सी आर टेकन ए लोन। मिस हार्ली ने लोन भी लिया, सी आर टेकन ए लोन फ्रॉम अ बैंक, लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर परचेस ऑफ दिस शोरूम। अब ये शोरूम खरीदने के लिए लोन भी लेके रखा है सर, समझ रहे हो? परचेस ऑफ दिस शोरूम, अब ये शोरूम खरीदने के लिए उसने लोन लिए। ऑन व्हिच जिसपे बैंक हैड चार्ज्ड इंटरेस्ट, है ना। अब लोन लोगे तो बैंक तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बैंक हैड चार्ज्ड इंटरेस्ट।
ठीक है, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है सर? चलो देखते हैं सर, बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ही लिख लो, ज्यादा जरूरी नहीं है। रुपीज 97,500, तब 97,500 है ना, 97,500 अप टू कब तक? 31 मार्च का हिसाब है यहाँ पर, 31 मार्च 2022 तक का हिसाब आपको दिया है, ठीक है। शी हैड रिसीव्ड द फॉलोइंग कैश गिफ्ट्स। अब इन्हें कुछ कैश गिफ्ट भी मिला है। शी हैड रिसीव्ड द फॉलोइंग कैश गिफ्ट फ्रॉम हर रिलेटिव्स, फ्रॉम हर रिलेटिव्स। अब रिलेटिव कुछ गिफ्ट भी दे रहा है सर, गिफ्ट देना नॉर्मली कौन सी इनकम सोर्स के अंदर आता है? कोई अगर गिफ्ट रिसीव करता है वो नॉर्मली किस गिफ्ट पर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो हम लोग हाल फिलहाल में ही डिस्कस। वेरी गुड सर, तो कुछ गिफ्ट मिला, कैश गिफ्ट फ्रॉम हर रिलेटिव्स, थैंक यू सर, एंड फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। कब से कब तक? 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च, तो पूरा एक फाइनेंशियल ईयर का मैटर है, 31 मार्च 2022 तक का जो एरिया है, इसमें कुछ गिफ्ट भी इनको मिला। अब उस गिफ्ट का लिस्ट भी आपके सामने होगा, है ना। आप कौन हो सर? सर आप चार्टर्ड टैक्स कंसल्टेंट, आप कॉस्ट अकाउंटेंट टैक्स कंसल्टेंट, कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकते हो टैक्स कंसल्टेंट, या फिर लॉयर भी करते हैं, कोई भी हो आप टैक्स कंसल्टेंट हो, स्पेशली CA CA CM में हो आप, तो आपके सामने मिस हार्ली आके अपना डिटेल्स बता रहे हैं, ये मेरा ऐसा ऐसा केस है, ठीक है। जैसे डॉक्टर के पास कुछ छुपाया नहीं जाता, वैसा ही कंसल्टेंट के पास भी छुपाने से दिक्कत है ना। तो फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड मतलब क्या हो, क्या लगते हैं सर? हस्बैंड के पेरेंट्स मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, है ना, हस्बैंड के माता पिता, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, मतलब ससुराल से मिला है, हम लोग बंगाली में बोलते हैं ससुर सासुरी, है ना, आई होप आप लोग समझ रहे हो। दूसरे लैंग्वेज में बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते होंगे, आप समझ गए सर, फ्रॉम पेरेंट ऑफ हस्बैंड, इनसे मिल रहा है 51,000 का गिफ्ट। हाँ सर, गिफ्ट मिलने से बहुत मजा आता है ना, गिफ्ट मिल गया फ्रॉम मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड, फ्रॉम मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड। अच्छा, मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड मतलब शादी हो चुका है, मतलब हस्बैंड का जो दीदी है या बहन है, ठीक है, जिनका शादी हो चुका है, ठीक है, उनसे भी गिफ्ट मिला है। तो बिग क्वेश्चन इज क्या, मतलब हस्बैंड की सिस्टर रिलेटिव में आता है कि नहीं, ये याद करना पड़ेगा सर। हाँ, इसके लिए हम लोगों ने अदर सोर्स में रिलेटिव कौन हो सकता है इसके बारे में बात कर चुके थे, अगर याद है तो अच्छा है, नहीं तो आगे आगे बात करेंगे सर। फ्रॉम टू वेरी क्लोज फ्रेंड किसका, टू वेरी क्लोज फ्रेंड फ्रॉम हर हस्बैंड, बहुत बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, उनसे भी गिफ्ट मिला है सर, 1,51,000 का एंड 21,000 का। अगर गिफ्ट का टोटल वैल्यूएशन देखा जाए तो कुल मिला के गिफ्ट का वैल्यूएशन होता है 1,72,000 का, मतलब 1,51,000 और 21,000 दोनों मिलकर बन जाता है 1,72,000। थैंक यू। अनदर थिंग, आपके सामने अभी क्वेश्चन आ रहा है सर, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछते हैं सर, क्वेश्चन आपको पूछता है डिटरमाइन हर रेसिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले तो यही पूछा है आपको, आप सबसे पहले इनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल के दिखाओ, ठीक है। अब जिन्हें आता है वो चालू कर दे, जिन्हें नहीं आता है वो मेरे साथ साथ चले, क्योंकि बहुत लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस अभी तक किया नहीं है। जो मैंने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स स्टार्ट किया वहां से मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस भी सिखाऊंगा। डिटरमाइन हर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूट
या फिर अगर कोई बैकअप लेके ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो उसे भी पता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे करता है. एंड कंप्यूट दी टोटल इनकम, कंप्यूट दी टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स along with the amount of tax liability, along with the amount of tax liability, ठीक है, on such income, मतलब उस income पे क्या tax liability होगा वो भी बताओ on such income. For assessment year 22-23, सर अगर असेसमेंट ईयर 22-23 है तो आपका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा बोलो सर. अगर असेसमेंट ईयर 22-23 तो प्रीवियस ईयर 21 जो करेंटली चल रहा है सर, ठीक है. अच्छा ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन. इसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन है, पूछते हैं सर उधार रेसिडेंशियल स्टेटस अंडरगो एनी चेंज, क्या उनका रेसिडेंशियल स्टेटस में कुछ परिवर्तन होगा. एज्यूमिंग दैट सी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हर टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स, याद रखिए सर बात को, इंडियन सोर्स से उनका टोटल इनकम इज 18 लाख, इंडिया से वो 18 लाख कमा रहा है. अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा, ये एक 2-3 साल से ये अमेंडमेंट चल रहा है, ठीक है, ये क्या कॉन्सेप्ट, इंडिया से कितना अमाउंट कमाने से, ठीक है, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस में इफेक्ट आ सकता है, ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आगे चर्चा करता हूँ, ठीक है. सो वुड अ रेसिडेंशियल स्टेटस अंडरगो एनी चेंज, एज्यूमिंग दैट सी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हर टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स इज 18 लाख एंड सी इज नॉट लायबल टू टैक्स इन यूके, मतलब इंग्लैंड, ठीक है, उत्तराखंड नहीं है, उत्तराखंड समझ के इंडिया ना समझ रहे इसीलिए बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है, उत्तराखंड नहीं सर, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में उसका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है. ये प्रोविजंस के साथ, मतलब ये सिचुएशंस के साथ आपको ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना सर आप लोग, प्लीज इतना बता दो मुझे, क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा, क्वेश्चन समझ में आ गया है ना. तो बेसिकली इसमें जो डिटेल्स आपको, हाँ सर बोलो, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है मतलब ये मिस हर्ली रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये मुझे विश्वजीत बता रहे हैं सर, ये मिस हर्ली जो है ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है सर. चलो हम लोग भी देखते हैं, जिन लोगों ने कैलकुलेट करके खुद से सोच रहे हैं कि ये रेसिडेंट है या नहीं है, बहुत अच्छा, लेकिन मुझे तो चलना पड़ेगा ना सर, तो मैं भी चल रहा हूँ आप लोगों के साथ साथ ही चलूंगा, ज्यादा दूर दूर नहीं चलूंगा, तो आप लोग मेरे को भी थोड़ा सा देखते रहो कि क्या हो रहा है और किस तरह से क्वेश्चंस का जवाब भी देना है, ठीक है, हाउ टू राइट डाउन द आंसर, ठीक है, उसको भी फॉलो करते रहो सर, ठीक है. एक प्रॉपर आंसर का पैटर्न क्या होना चाहिए वो भी मैं आपके साथ इसी क्वेश्चंस को बताते हुए करूंगा, ठीक है, किस तरह से प्रोविजंस लिखना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, ये भी तो जरूरी होता है ना, एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत मतलब वाइटल एक मैटर होता है सर, ठीक है. तो मैं देख रहा हूँ सर काफी सारे स्टूडेंट जो लोग एग्जाम देके जा रहे हैं, ठीक है, जैसे स्पेशली विश्वजीत हंस लोग ज्यादा एग्जाम देने के लिए और शुभजीत भी एग्जाम देते हैं, तो जो लोग एग्जाम दे रहे हैं किसी किसी का एग्जाम देने का तरीका कभी कभी बहुत अच्छा जा रहा है, कभी कभी बहुत खराब भी जा रहा है, ठीक है,
ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे मैं बोलूंगा कि थोड़ा फोकस करें, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि प्रेजेंटेशन के चक्कर में आपका मार्क्स ना कम हो जाए सर, ठीक है, इसलिए बार बार फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि प्रेजेंटेशन एक ऐसा चीज है जो एग्जामिनर को लुभाता है आपको मार्क्स देने के लिए। सही प्रेजेंटेशन करें तो आपके लिए भी मार्क्स कैरी करना भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, एग्जामिनर कॉपी चेक करने के टाइम पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता। अब उनको अगर ज्यादा मेहनत करवाओगे तो वो आपको मुश्किल करेगा, ठीक है। सो हैंडराइटिंग मतलब हैंडराइटिंग एकदम क्या बताएं, मतलब नॉट लाइक कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, वैसा भी नहीं, बट इतना होना चाहिए कि जो किसी को भी सामने वाला पढ़ सके और थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो, चलो ठीक है, सॉल्यूशंस कैसे करना है, सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन और अब इसका सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे मिस हर्ली का रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक हेडिंग कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। देखो सर, अभी मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ, बट एग्जाम टाइम में यही चीज आपको बहुत स्पीड अप में करना होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, अब जितना आदत आप अभी बना लोगे ना उतना अच्छा। तो कैलकुलेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस हार्ली, ठीक है। अब ये एग्जामिनर देख के समझ जाएगा कि चलो पहले रेसिडेंशियल स्टेटस बनाया बंदे ने, स्टूडेंट ने, तो पहले वही चेक कर लेते हैं। तो रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने से पहले आपको तो सबसे पहले ये लिखना होगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस का मेन पॉइंट क्या है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। अब जो लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ चुके हो बहुत अच्छा, जो नहीं पढ़ा है अभी तक रेसिडेंशियल स्टेटस उनके लिए बता दे रहा हूँ एक बार मैं, ठीक है, लिख भी दे रहा हूँ, मतलब नॉट जस्ट फॉर उनके लिए, ये एक क्वेश्चन का आंसर का पैटर्न भी है। अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, मतलब फिलहाल मैं आपको टोटल इंतजाम कराते हुए इसको दिखा दे रहा हूँ, बाकी जब मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पे स्पेसिफिकली बताऊंगा वहां पर भी मैं यही पॉइंट पे थोड़ा और डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, लेकिन लिखने का जो तरीका भी मैं यूज कर रहा हूँ वैसा ही लिखा जाता है ऑलवेज, ठीक है। सो अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एन इंडिविजुअल ओके इज सेड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया या रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। एक इंडिविजुअल को तभी भारत का रेसिडेंट माना जाता है, रेसिडेंट इन इंडिया, इन एनी प्रीवियस ईयर, इन एनी प्रीवियस ईयर, इन एनी प्रीवियस ईयर, इफ ही सैटिस्फाई इन एनी प्रीवियस ईयर, इफ ही और सी, if he or she satisfy any one of the following conditions, so बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है सर ये, ठीक है। दो कंडीशन आता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, जिसमें दो कंडीशन ये बोला जाता है। पहला कंडीशन और सबसे पॉपुलर मतलब कंडीशंस भी हैं, ही और सी हैज बीन इन इंडिया, हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द पीवाई, ड्यूरिंग द पीवाई मींस प्रीवियस ईयर फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, ठीक है। उसको भारत में 182 दिन से ज्यादा रहना चाहिए, ये पहला कंडीशन है, 182 दिन या उससे ज्यादा, 182 डेज और मोर उनको भारत में रहना चाहिए। और पी और सी, ये प्रोविजंस भी है, जब मैं रेजिडेंशियल स्टेटस भी पढ़ाता हूँ तब भी मुझे ये चीज लिखा के आपको बताना पड़ता है, पी और सी हैज बीन इन इंडिया, he or she has been in India during the 4 years, during the 4 years immediately
preceding the previous year for a total period of 365 days or more and has been in India for 60 days in the previous year. इसका सिंपल मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब यह है कि जिस पर्टिकुलर ईयर में आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, जैसे आपको क्वेश्चन तो पता है ना सर, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमें पूछा गया था कि ये जो मिस हर्ली है इनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए हमें बोला गया है असेसमेंट ईयर 22-23 और प्रीवियस ईयर 21-22. अब प्रीवियस ईयर 21-22 में उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज असेसमेंट ईयर इज द नॉट द कैलकुलेटिव ईयर. मतलब असेसमेंट ईयर में क्या होता है, इस ईयर में आप कैलकुलेट या असेस करते हो, बट किस बेसिस में करते हो? प्रीवियस ईयर के बेसिस में करते हो. सो प्रीवियस ईयर में आपने कमाया, ठीक है, इनकम जो है सर वो प्रीवियस ईयर का होता है, उसका टैक्स असेसमेंट ईयर में दिया जाता है. सो वॉट एवर यू हैव डन इन द प्रीवियस ईयर उसी का इफेक्ट आपका असेसमेंट ईयर में शो करना पड़ता है. दैट इज द सिंपल थिंग. अब प्रीवियस ईयर 21-22 में आपका रहने का जो नंबर ऑफ डेज का कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसी पे डिपेंड करता है 22-23 में आप भारत का रेसिडेंट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है. अब जैसे कि कंडीशंस है, कंडीशंस पे पहला कंडीशन था कि अगर आप भारत में, अगर आप मतलब मिस हर्ली अगर भारत में 182 दिन या उससे ज्यादा रह जाते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर इन द सेंस एज पर द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मतलब 21-22 है ना सर. तो अगर वो प्रीवियस ईयर 21-22 में 182 डेज इंडिया में रह जाते हैं या उससे ज्यादा, तो वो भारत के रेसिडेंट हो जाएंगे. यहाँ पर एक चीज बोला है सैटिस्फाई एनी वन कंडीशंस, पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चंस में ही बोला है कि एनी वन कंडीशन सैटिस्फाई करना चाहिए. दूसरा सवाल है कि ही और सी हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर एंड हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन दैट प्रीवियस ईयर. इसका मतलब ये होता है कि सेकेंड कंडीशन बता रहा हूँ आपको मैं, कि एटलीस्ट प्रीवियस ईयर 21-22 में, प्रीवियस ईयर 21-22 में आपको कम से कम 60 दिन रहना चाहिए, 60 डेज इन इंडिया आपको रहना चाहिए, और इसके पिछले 4 साल में, तो प्रीवियस ईयर 21-22 के पिछला 4 साल क्या है, 2021, 2020, 1920, 1918, 1917, 1918, पिछले 4 साल मिला के 365 दिन आपको भारत में रहना चाहिए. ये दोनों एक साथ फुलफिल होगा तभी आप भारत के रेसिडेंट कहलाओगे, अगर नहीं होगा तो नहीं कहलाओगे. अब ये देखना है सर कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 पे कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का कंडीशन 1 और कंडीशन 2. अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाता है वो भारत का रेसिडेंट है, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो भारत का नॉन रेसिडेंट हो जाएगा. आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? अब अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा, अगर ना भी आया तो भी अच्छा. क्यों? क्योंकि आगे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये सच में भारत का रेसिडेंट हो रहा है 21-22 में या नहीं. कौन? मिस हर्ली, ठीक है सर. लेकिन आपको मैंने पहले प्रोविजन लिखना था तो आपने प्रोविजन लिखा कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 पे रेसिडेंट होना है कि नहीं होना है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो पहले बता. अब पहले आपने अगर ये बता दिया बहुत अच्छा. नाउ अब आगे क्या करना है, इफ एन इंडिविजुअल सैटिस्फाइज एनी वन ऑफ द
कंडीशन अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल कर देता है देन ही और सी इज ए रेसिडेंट. इफ बोथ कंडीशन अगर दोनों कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड if both conditions are not satisfied the individual is a non-resident. तब individual non-resident कहलाएगा. अब सर हम लोग अभी तक provisions पे ही पड़े रहे, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बता पाया कि हमारे केस में मिस हार्ली रेसिडेंट है या नहीं है. अब सिंपल हो जाएगा तो कैलकुलेट कर लेते हैं ना. Therefore, residential status of Miss Harley and American nationals. Sorry, American नहीं, हमारे क्वेश्चन में तो ये यूके नेशनल्स है ना सर, यूके नेशनल्स. ठीक है, यूके नेशनल्स रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस हार्ली एंड यूके नेशनल्स फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 हैज टू बी डिटरमाइंड on the basis of her stay in India during the PY 21-22 and relevant assessment year 22-23. ठीक है, हर अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसका क्या कंडीशन, मतलब कितना दिन का भारत में उसका बास हो रहा है. ठीक है, भारतवासी मतलब भारत का इनकम टैक्स के हिसाब से भारतवासी बनने का सिटीजनशिप नहीं सर, रेसिडेंशियल स्टेटस. अब प्रीवियस ईयर 21-22 का हिसाब देखिए. चलो सर आप एक काम करो, हेडिंग करो प्रीवियस ईयर 21-22 कर लो एक बार, क्योंकि 21-22 में ही तो देखना है. अच्छा आप लोगों को याद तो होगा कि वो कब पहली बार भारत आया था, हाँ सर फर्स्ट टाइम भारत कब आया था, 16 मार्च को आया था फर्स्ट टाइम भारत आया था 16th March को. सर एक सेकंड होल्ड करो, तो आप लोग ट्राई करो, मैं एक मिनट में आता हूँ, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है जिसे लेना पड़ेगा थोड़ा सा. स्क्रीन शेयर है आपके सामने, ठीक है क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन में दे रहा हूँ, थोड़ा सा ट्राई करो मैं दो मिनट का.
हाँ सर, आवाज आ रहा है मेरा? क्या रे, साउंड क्लियर है ना? यस सर। ओके सर, तो देखो प्रीवियस ईयर 21-22 में वो फर्स्ट टाइम भारत कब आया, 21-22 में फर्स्ट टाइम भारत कब आया ये बताना होगा सर। सर 16 मार्च। 16 मार्च को आया। इन यूके ऑन 2 मार्च इन मिस्टर राधेश शादी हुआ 2 मार्च 2021 को। ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 16 मार्च 2021 को, है ना? 16 मार्च 2021। अच्छा 16 मार्च 2021 कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है? 16 मार्च 2021 इज अ पार्ट ऑफ 2021। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 16 मार्च 2021। लेकिन 16 मार्च में जो भारत आ रहा है वो उतना रेलिवेंसी नहीं रखता, क्योंकि हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है 21-22। तो 21-22 में वो भारत में कितना दिन रहा है वही हमें पूछा गया है। हमें यह नहीं पूछा कि 2021 में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस काउंट करो। हमें इतना पूछा गया कि 21-22 में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस काउंट करो। तो हम 16 मार्च में वो भले ही आया है और वो पार्ट ऑफ दी 2021 है, तो 2021 का अलग से कैलकुलेट करते तो समझ जाते, लेकिन यहाँ पर 2021 तो मेरे लिए रिलेवेंट है नहीं। तो हम बस प्रीवियस ईयर 21-22 के देखेंगे, तो हम 1 अप्रैल से ही काउंट करेंगे। आई थिंक ये बात सबको समझ में आया। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो सर। ये मैंने 16 मार्च को क्यों इग्नोर करने के लिए बोला आपको, मतलब 16 मार्च से 31 मार्च 2021 तक का जो डेट है, 16 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच का जो डेट है, ये क्यों रिलेवेंट हुआ हमारे लिए? बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ 2021 एंड 2021 इज नॉट आवर प्रीवियस ईयर। आवर प्रीवियस ईयर इज 21-22, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो 1 अप्रैल 2021 से लेके कब तक है भारत में फर्स्ट जो उसका आना जाना रहा है। हाँ, कभी आना तू मेरे गली 19 सितंबर कब तक रहा है? 19 सितंबर 2021 तक, है ना? तो 19 सितंबर 2021, ठीक है। अब आपको ये काउंट करना है कि 1 अप्रैल से 19 सितंबर कितना दिन होता है। अब इसको काउंट करने का एक अचूक सिस्टम आप फॉलो करो, अचूक मतलब जिसमें चूक ना हो, ठीक है। अब क्या सिस्टम फॉलो करना चाहिए आप ना, मंथ काउंट, ठीक है। आप मंथ काउंट कर लो। बहुत लोग डायरेक्टली काउंट करने का कोशिश करोगे, मिस्टेक हो सकता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से कर लो, ठीक है। तो अप्रैल में कितना दिन है? अप्रैल, 1 अप्रैल से ही वो भारत में है ना सर, एकदम स्टार्टिंग से ही, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 16 मार्च को आया है। तो नॉर्मली आने का दिन जाने का दिन काउंट किया जाता है। नॉर्मली रेजिडेंशियल स्टेटस के तहत जिस दिन आता है और जिस दिन जाता है उसे काउंटिंग में लिया जाता है, ठीक है। तो हमारे केस में तो वो पहले से आया हुआ था, तो पूरा का पूरा अप्रैल कितना महीने का होता है? 30 महीने का ना, अप्रैल 30 महीने का होता है, मतलब सॉरी 30 डेज का होता है। 30 महीना नहीं सर, अप्रैल मंथ 30 डेज का है। मई कितने महीने का है सर? 31। जून, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30। अच्छा, क्या सितंबर 30 तक काउंट करेंगे सर? 19। थैंक यू सर। सितंबर में तो 19 तारीख को जा रहा है ना, तो 19 तारीख जा रहा है, तो 19 तारीख का काउंट होगा। तो हिसाब लगा लो अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 150 तो इधर हो ही रहा है। मार्च का काउंट 5 दिन चिलो कौन था ना, मार्च का काउंट हो,
मार्च 27-22 से बैक कर रही इंडिया नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं पहले इसका बता रहा हूँ ये कितना हो रहा है वो तो बता 172 डेज इसमें 172 हुआ ना ठीक है अब आगे देख रहे हैं कि वो वापस इंडिया में वापस आ रहा है ठीक है वो इंडिया में जब वापस आ रहा है तो वो आ रहा है 27 मार्च 2022 को है ना सर तो 27 मार्च से वो फिर कितना दिन रहा अच्छा कितना भी दिन रहे रूम इन मुंबई ऑन 30 अप्रैल 2021 ठीक है विच वॉज लीज्ड आउट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल सी हैड टेकन अ लोन सर जरूरी नहीं है क्यों बोलो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 21-22 का क्या फीचर्स है उसका ठीक है अब 21 उसके बाद वो गया ही नहीं ना उसके बाद तो रह गया इंडिया में प्यार कर लिया भारत को और ज्यादा उसके बाद वो भारत में रह गया तो हमें ये देखना है कि मार्च में कितना दिन हुआ है सर ठीक है तो वो मार्च में 5 डेज मार्च में 27 मार्च को आ रहा है तो 27 मार्च से 31 मार्च कितना दिन होता है 5 दिन 5 डेज सर ये किसी को डाउट है सर कि मैंने मार्च का ये मार्च कौन सा मार्च है ये 21 का मार्च है 2021 का मार्च रे बाबा क्योंकि वो वापस रिटर्न आए ठीक है और बीच में जो अच्छा इसको इस तरह से भी करने से अच्छा रहेगा जानते हो ना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नहीं तो आप बोलोगे अचानक से मार्च कहाँ से आ गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ठीक है तरीका देखो सर अक्टूबर को ब्लैंक कर दो बिकॉज वो इंडिया में नहीं है वो तब यूके में ही है शायद नवंबर में भी डैश लगा दो दिसंबर में भी डैश लगा दो जनवरी में भी डैश लगा दो फरवरी में भी डैश लगा दो मार्च में 27 तारीख को आया 27 से 31 तारीख तक 31 मार्च तक वो भारत में है तो भारत में 5 दिन तक वो बिल्कुल रहना है तो 172 इधर और 5 दिन इधर ठीक है तो कुल मिला के उसका हो रहा है 177 दिन सर रेजिडेंशियल स्टेटस में ना डेज का बहुत अहमियत है रेजिडेंशियल स्टेटस पे डेज का बहुत ज्यादा अहमियत है ठीक है तो डेज कैलकुलेशन करने में ना जल्दबाजी ना करें क्योंकि थोड़ा सा आपका हड़बड़ी आपका पूरा मार्क्स गायब कर सकता है इसीलिए थोड़ा शांति से करें ठीक है और थोड़ा तरीके से करें तरीके से क्या होगा ना गलती कम होगा ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने जाओगे ना सिली मिस्टेक करके आओ मैं ओवर स्मार्ट को खराब नहीं सोचता बट स्मार्ट टेस्ट जितना जरूरी उतना स्मार्ट टेस्ट सही है ओवर स्मार्ट क्या होता है जानलेवा होता है मार्क्स कम हो सकता है मतलब आप सही करके आओगे फिर भी आपको तब आपको लगेगा आप सही किए लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आध दिन का गंडगोल हो गया तो वो एक आध दिन का गंडगोल जितना कम करोगे उतना ही अच्छा है क्योंकि एक दिन का भी इधर गंडगोल होगा ना अगर 177 से 176 हो जाए तो भी आपका मार्क्स कट जाएगा अच्छा फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो भारत में कितना दिन है एक भी दिन है पहला बार इंडिया में आया प्रीवियस ईयर सर देखा सिली मिस्टेक देखो कैसे कर रहे हो आप 2021 में तो भारत आ गया ना 1 अप्रैल 2020 में से 31 मार्च 2021 के बीच में भारत में नहीं आया क्या यस सर उसके बाद नहीं आया बात नहीं समझे मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम लोग तो 21-22 प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं लेकिन मैं आपको पूछा कि उसके पिछले 4 साल हमारा दो कंडीशन है ना हमारे लिए दो कंडीशन होता है एक प्रीवियस ईयर में आप कितना दिन हो ये जरूरी जैसा है वैसा ही हमारे लिए और एक चीज भी जरूरी है ना कि प्रीवियस ईयर में अगर आप 60 दिन भी रह जाते हो और पिछले चार साल में अगर आप 365 दिन रह जाते हो तो आप रेसिडेंट हो सकते हो तो इस केस में हमें ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना पिछले 4 साल में वो कितना दिन भारत में तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो तो पहली बार आया है पिछले साल में कैसे होगा सर वो तो आया ना कब आया उसने वो कब भारत आया वो भारत आया ना कहां चला गया 16 मार्च को अब 16 मार्च 2021 किस पीरियड का पार्ट है 2021 की 2021-22 सर 2021 तो 16 मार्च से 31 मार्च कितना दिन होता है 16 डेज थैंक यू सर 16 मार्च से 31 मार्च 16 डेज जो टाइम पीरियड है ना ये तो वो भारत में है अच्छा प्रीवियस ईयर के
उससे पहले 1920 में हमको इससे पहले कभी नहीं आया, इससे पहले वो कभी भारत, ठीक है, पहली पहली बार भारत आया है 2021 में, वो भी 16 मार्च को, ठीक है। अच्छा तो ये समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है तो पूछ लो सर कि 16 डेज कहां से लाए, 16 मार्च से 31 मार्च, 16 मार्च से 31 मार्च का टाइम पीरियड आने का दिन काउंट होता है, याद रखना 16 डेज इसीलिए। अच्छा इससे पहले 18-19 में भारत में कभी नहीं, प्रीवियस ईयर 17-18 में भारत में कभी नहीं। अच्छा क्या प्रेजेंटेशन जरूरी है? हाँ प्रेजेंटेशन जरूरी है सर, आया नहीं तो कर क्यों रहे हो सर, दिखा दो एग्जामिनर को कि आपको सब आता है तभी आप जवाब दिए, किसी दिन आप पूछा आपने किसी को ना ताका आपने, ठीक है आप खुद से किए। हाँ बोलो सर कुछ पूछ रहे थे। मुझे ऐसा लगा कोई क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा ठीक है तो इधर हो गया 16 दिन और इधर हो गया 177 दिन, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 में 177 दिन और पिछले 4 साल में उसका हुआ, पिछले 4 साल में उसका हुआ 16 दिन। अब मुझे बताओ वो रेसिडेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रेसिडेंट होने के लिए दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। हाँ सर रेसिडेंट हुआ? नो सर नहीं हुआ सर, है ना उसे किस शुरू में। हाँ बोलो सर, 16 को ही काउंट कर लिए थे, वही तो गड़बड़ है ना सर, इसीलिए मैं बोलता ना ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, जितना जरूरी उतना स्मार्टनेस नहीं चाहिए सर, ठीक है। ज्यादा स्मार्टनेस का क्या है, हाँ जैसे कुछ लोग रास्ते में गाड़ी चलाने के टाइम पे बाइक चलाता है, इतना स्मार्टनेस दिखाते हैं, अरे भाई बाइक चला रहा है तो एक्सेलेटर ज्यादा जोर से घुमाने में कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, हाँ एक्सेलेटर तो कोई भी घुमा सकता है, गाड़ी चलाना है तो दम करके दिखा कि जैसे जो राइडर है तू जो राइड कर रहा है जो तेरे पीछे बैठा है वो सेफ रहे, नहीं गए गए करके ओवर स्मार्टनेस में फिर किसी को ठोक दिया किसी ने। अब जितना अगर रेस करना ही है जाओ ना रेसिंग सर्किट में जाओ, बुद्धा सर्किट में जाके रेस कर, बात को समझो, हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है बस धीरे से, नहीं तो ये छोटा छोटा चीज गलती नहीं करना चाहिए। ओके ठीक है सर, तो 177 दिन और इधर हो गया 16 दिन, अब क्या करना है? टोटल स्टे ऑफ द एसएससी ड्यूरिंग द पीवाई इन इंडिया वाज लेस देन 182, है ना, भारत में तो 182 दिन से कम है प्रीवियस ईयर में, एंड ड्यूरिंग 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर प्रीसीडिंग 4 साल में, दिस वाज फॉर 16 दिन, 16 दिन ही भारत में है सर, जहां होना चाहिए था कितना दिन, ये 16 डेज कितना होना चाहिए था, कम से कम एज पर द प्रोविजंस 365, ठीक है। देयरफॉर ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट non-fulfillment of any one condition out of 2 of section 6 subsection 1 Ms. Harley would be treated as non-resident is hardly would be treated as non-resident for the assessment year 22-23, ठीक है।
Ms. Harley would be treated as non-resident for the assessment year 22-23. That is previous year 21. Okay. बस इतनी सी बात है. अब ये तो हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस. इतना देर से मैंने क्या लिखा, क्या समझाया आपको? रेसिडेंशियल स्टेटस पे समझाना और रेसिडेंशियल स्टेटस को कैलकुलेट किया. लेकिन अभी भी क्वेश्चन थोड़ी कंप्लीट हो गया सर. क्वेश्चन तो और भी बातें पूछा है हमसे. हमें ये पूछा है कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करो. तो आप पहला पड़ाव पार किए, अब आपको धीरे धीरे दूसरे पड़ाव में जाना है. अब आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज, हेलो, हाँ बोलो सर. हाँ सर, बोलती जे मिस हार्ली जो दी रेसिडेंट होइए तो तापोर की सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के जगह शो करते हो तो ऑब्वियसली एक बार आप रेसिडेंट हो जाओगे तो फिर सेकंड जो पार्ट है दैट इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 वो भी देखना है. दैट इज आरओआर एंड आरएनआर का कांसेप्ट. यहां पर था नहीं बोल के मैंने उसको उठाया नहीं, ठीक है. जहां ऐसा सिचुएशंस आएगा या फिर रेसिडेंशियल स्टेटस जब सामने आएगा मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है. रेसिडेंशियल स्टेटस पे और भी बातें होता है. जैसे कि शिवजीत ने मुझे पूछा कि सर अगर वो रेसिडेंट हो जाता तो क्या सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 सामने आ जाता है? यस सर. तब उस हमें ये देखना पड़ता वो रेसिडेंट तो हो गया बट वो कैसा रेसिडेंट है. क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसे आरओआर कहता है. अगर वो ऑर्डिनरी नहीं है तो फिर कैसा है? सर नॉट ऑर्डिनरी नहीं होता है. एक ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल स्टेटस होता है और एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल स्टेटस होता है जिसे हम लोग प्यार से ROR and RNOR भी कहते हैं, ठीक है. तो वो ऐसे भी रेसिडेंट है वैसे भी रेसिडेंट है या फिर ऐसे तो रेसिडेंट है बट वैसे रेसिडेंट नाम ही हो सकता है. इस टाइप के रेसिडेंट है जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 आपके सामने लाता है. ये टॉपिक के ऊपर मैं बाद में डिस्कस करता हूँ सर, ठीक है. यहाँ पर रेलिवेंट है नहीं इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन को कम्प्लीट करने की तरफ, ठीक है शुभजीत. बट जैसे तू पूछा तो सही पूछा है. Computation of total income of Miss Harley. For the assessment year 22-23. PY 21-22. अब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है. सिंपल रखो, एक पर्टिकुलर का कॉलम बना दो और दो अमाउंट का कॉलम, ठीक है, काम बन जाएगा. तीन भी बना सकते हो, ठीक है, अगर इन कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हो, बट यहीं पर हो जाएगा. दो से काफी है, कोई कोई तीन भी करता है, डजंट मैटर, इतना मैटर नहीं रखता. बट आपको एक बेसिक फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए. अब आप यहाँ पर बताओ कि उसका क्या क्या इनकम का सोर्स है. मुझे जितना दिख रहा है क्वेश्चन से कि उसने हाउस प्रॉपर्टी से कमाया, उसने हाउस प्रॉपर्टी रेंट से कमाया ना, उसने एक शोरूम खरीदा है मुंबई में, है ना, आमची मुंबई में उसने एक शोरूम खरीदा और शोरूम खरीद के उसको रेंट पे लगाया. शोरूम का भाड़ा है 25,000 पर मंथ. तो अगर 25,000 पर मंथ का भाड़ा है तो हमें ये देखना है कि उसका कितना अर्निंग हो जाता है. ओके, तो हम लोग ऐसे एक हेडिंग कर देंगे. अच्छा, शोरूम से जो इनकम कर रही है कौन सा हेड में जाएगा ये क्लासिफाई करो पहले. मुझे कौन सा हेड का इनकम? रेंट वाला. क्या रेंट वाला? कौन सा हेड में जाएगा पूछा, रेंट वाला. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाँ, रेंट वाला. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट वाला तो दिख रहा है सर. कौन सा हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं ना क्लासिफिकेशन. अब हमें इसे क्या करना है, शोरूम लोकेटेड इन मुंबई रिमेंट ऑन रेंट. कब से कब तक रेंट दिया? 1 May 2021 से लेके 31 March 2022 तक, है ना. 1 May 2021 से लेके रेंट तो अभी चल रहा है लेकिन हम लोग इस पर्टिकुलर ईयर का इनकम देख रहे हैं ना. ऐसे तो रेंट कब दिया उसने? 30/4 को खरीदा है विच वॉज लीज्ड आउट ऑफ रेंट ऑन रेंट ऑफ ऑफिस फ्रॉम 1 May 2021, ठीक है. तो 1 May से लेके 31
मार्च 2022 तक का हिसाब देखेंगे, उसके बाद का हिसाब नेक्स्ट ईयर में आएगा, लेकिन फ्रॉम दिस फर्स्ट में 2021 टू 31 मार्च 2022 उसने कितना कमा लिया? 25,000 into 11, है ना? 11 मंथ होता है क्या? अप्रैल से मार्च, सॉरी मई से मार्च, क्या है, मैं सही बोला कि नहीं? तो सर कितना हो जाएगा, हिसाब क्या हो जाएगा? 25,000 into 11 करके ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे सर? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, 25,000 into 11, ठीक है? अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कॉन्सेप्ट मैंने कहां से उठाया? सर इसके लिए मैं आपको नोट लिखा देता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने उठाया ना, ये बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी से उठाया। अब जिन लोगों का हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीटेड है दे अंडरस्टैंड इजीली, बट जिनका हाउस प्रॉपर्टी अभी तक नहीं हुआ है या जो भूल चुका है उनको थोड़ा दिक्कत होगा कि सर ये अचानक से जीएबी क्या है, आसमान से टपका और खजूर पे लटका। कोई बात नहीं सर, इतना भी कोई आसमान से टपका और खजूर से लटका वाला बात है नहीं, ठीक है? ये धीरे धीरे आप लोग जब भी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, बट इतना समझ लो, नोट दे दो एक, ठीक है? एक नोट वन बोल के लिख दो, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हैज बीन टेकन एज जीएबी इन द एब्सेंस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, म्यूनिसिपल वैल्यू का इंफॉर्मेशन होता है, मतलब नॉर्मल सिचुएशन जब आप हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको म्यूनिसिपल वैल्यू दिखेगा, ठीक है? आपको फेयर रेंटल दिखेगा, आपको स्टैंडर्ड रेंट दिखेगा, ठीक है? ऐसा दिखेगा। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में ना तो एनडीए अवेलेबल है, शॉर्ट में हम लोग ऐसे ही बोलते सर एमबी एफआर एसआर, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है, एमबी के सर एफआर को कंपेयर किया जाता है, ठीक है? म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में कंपेयर करो, टेक दी हायर, उसके साथ कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट का, टेक दी लोअर, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है? तो इस तरह से नॉर्मली हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन होता है। अभी थोड़ा सा जो लोग हाउस प्रॉपर्टी कभी नहीं किया उनको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अटपटा सा, लेकिन इतना भी कोई अटपटा बात है नहीं। जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर वापस करेंगे आपको मैं वापस, या फिर आप बैकअप लेके भी ऑलरेडी स्टार्ट कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी का नॉलेज गैदर कर सकते हो। पहला दो क्लास देखोगे आपको ये वैल्यूएशन कैलकुलेट करना सीख जाओगे सर, ठीक है? हाउस प्रॉपर्टी का सबसे हॉट टॉपिक है सर जीएबी कैलकुलेशन, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, म्यूनिसिपल वैल्यू के साथ फेयर रेंट को कंपेयर किया जाता है, जो हायर अमाउंट होगा जो गिवन रहेगा नॉर्मली, ठीक है? तो म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में हायर लो, और सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट जो उसमें से जो लोअर है उसको लिया जाता है, उसी को जीएबी माना जाता है। बट अगर कुछ भी अमाउंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जितना आपको रेंट मिल रहा है वही आपका जीएबी बनेगा। तो 25,000 इंटू 11 करके कितना आपको मिल रहा है सर? 25,000 इंटू 11 करके कितना मिल रहा है? 275,000, हाँ सर? यस 2,70,000, ठीक है? 2,75,000 आपको मिला है, वही आपका जीएबी है। अब जो भी आपका जीएबी होता है ना, वहां से म्यूनिसिपल टैक्स को लेस करना पड़ता है। अब म्यूनिसिपल टैक्स हमारे क्वेश्चंस में कुछ बोला नहीं, तो हम उसको नील मान लें, लेकिन फॉर्मेट है तो देना पड़ता है। तो जीएबी से टैक्स को हटा दो, म्यूनिसिपल टैक्स को, तो आपको जो मिलेगा ना उसे प्यार से कहते हैं एनएवी, या फिर नेट एनुअल वैल्यू। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में इसका डिटेल्स जानकारी आपको दिया जाएगा, या फिर आप बैकअप से भी ले सकते हैं। तो नेट एनुअल वैल्यू जैसे आपको मिल जाता है, इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में भी ना कुछ स्पेशल डिडक्शंस मिलता है। जैसे कि मैं आपको लास्ट क्लास में
प्रीवियस लेक्चर में जब टोटल इनकम का प्रोफॉर्मा और पूरा शॉर्ट समरी लिखा रहा था, मैं बोला था ना आपको कि आप टोटल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड अप्लाइंग द चार्जिंग एंड डीविंग प्रोविजन देन प्रोवाइडिंग द परमिसेबल डिडक्शंस एग्जेम्पशंस देयर एट. तो व्हाटएवर परमिसेबल डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस इज देयर यू मस्ट अप्लाई दोस डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस अंडर ईच हेड. ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक ऐसा ही डिडक्शंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो आपको यहाँ पर हाँ बोलो सर, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, वेरी गुड सर. ठीक है, जिसे कौन से सेक्शंस में बोला गया है? 24 सबसेक्शन ही. थैंक यू सर. डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24. ठीक है, जो लोग हाउस प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं सर, वो पढ़ लेगा बाद में. डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24. ठीक है, उसके अंदर 30% ऑफ एनएवी, ये स्टैंडर्ड है. अब ये मत पूछना सर कहां से आया. ठीक है, ऐसा मत पूछो कि आसमान से टपका और खजूर पे लटका. नहीं सर, सब कुछ एज पर प्रोविजंस होता है. इनकम टैक्स इज ऑल अबाउट एज पर प्रोविजंस, लिखा हुआ है, रूल है, फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, इनकम टैक्स कोई भी लॉ ऐसे ही तो होता है ना सर. हाँ बोलो सर. 82,500. हाँ समझा नहीं आ रहा, बोलो. 82,500. थैंक यू सर, 82,500. तो ये हो गया एक डिडक्शन. दूसरा और एक है, और एक डिडक्शन आप यहां से लोगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है सर, क्वेश्चन के देखो, क्वेश्चन में देखो तो कितना इंटरेस्ट ऑन लोन आप भर रहे हो. 97,500. थैंक यू सर. तो बेसिकली ये जो हाउस प्रॉपर्टी आपने मुंबई में शोरूम के लिए लिया, कौन, मिस हर्ली ने, ठीक है, तो उसका लोन लिया और लोन का इंटरेस्ट चुकता कर. ठीक है, तो गवर्नमेंट कहते हैं सेक्शन 24 सबसेक्शन, जैसे ये हो गया 24 सबसेक्शन ए, ठीक है, और ये हो जाता है 24 सबसेक्शन बी. ठीक है, तो 24 सबसेक्शन बी के तहत आपको ये बोला जाता है कि जो प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना बात पे, ठीक है, शॉप रेंट इन मुंबई. ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ. मानो कि आप मुंबई में कोई शॉप रेंट लेना चाहते हो. ठीक है, अब ये जो शॉप आपको दिख रहा है ना सर, ठीक है, जैसे मानो कि कमर्शियल शॉप रेंट इन बांद्रा वेस्ट, 455 स्क्वायर फीट आउट ऑफ 6. अब भाड़ा क्या है आप लोग जाके सर्वे रिसर्च कर लो, आपको अगर नॉलेज चाहिए. तो मानो कि ये आपने खरीदा, ठीक है, लेकिन लोन से खरीदा, और अगर इस लोन में प्रॉपर्टी जिसको आपने खरीदा है इसका अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 97,500 का एनुअल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आपको छूट मिलेगा. जितना इंटरेस्ट भरोगे उतना छूट मिलेगा, क्योंकि ये आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है. ये आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब ये प्रॉपर्टी आप रहने के लिए नहीं सर. दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होता है और एक लेट आउट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होता है. तो जो शोरूम या दुकान आप खरीद रहे हो, दैट इज नॉट फॉर दी रेसिडेंशियल पर्पस, दैट इज फॉर दी लेट आउट पर्पस. अब प्रोविजंस ये कहता है सेक्शन 24 सबसेक्शन बी हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर, ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी हम लोन, मतलब लोन लेके भाड़े पे लगाएंगे, भाड़े पे लगाएंगे, ध्यान से सुनना बात करो, पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ वर्ड्स टू बी नोटेड, जिसको भाड़े पे लगाने के लिए जो प्रॉपर्टी हम लोन लेके, चाहे वो दुकान हो या फिर कोई घर, घर भी ऐसा हो सकता है जो मेरे रहने के लिए नहीं, मैं उसको बना रहा हूँ कोई पीजी पे रेंट देने के लिए, या फिर उसको मैं रेंटल पर्पस में ही यूज करने वाला हूँ, तो वो प्रॉपर्टी में मैं जितना, मतलब बेसिकली कमर्शियल एटीट्यूड है मेरा उस प्रॉपर्टी के प्रति, तो अगर मैं उसके जितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भरूंगा वो पूरा अमाउंट मैं एवरी ईयर माइनस कर सकता. ठीक है, लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस का हो, तो मतलब लोन लिया पर मैं उसका रेसिडेंशियल यूज करना चाहता हूँ, तो भी मुझे इंटरेस्ट में बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन है. उसमें आपको या तो मैक्सिमम 30,000 या तो मैक्सिमम 2,00,000 का प्रावधान है. किसके केस में? रेसिडेंशियल के केस में, या तो 30,000 या फिर 2,00,000, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं. जैसे कि 30,000 तब लगता है कि अगर लोन 1/1999 के पहले का है, मतलब 1 अप्रैल 1999 के पहले का लोन है,
तो 30,000 का प्रावधान यूज होता है। बट अगर मैं इसको थोड़ा साइड कर दूं, मानो कि आज की डेट में बात करते हैं, लोन 1499 से बात ही हुआ है और लोन जो है वो घर बनाने के लिए यूज हुआ होगा या फिर फ्लैट परचेज के लिए भी हो सकता है। लोन जिस दिन आप लेते हो उसके 5 साल के अंदर आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर ये सारा का सारा कंडीशन फुलफिल होता है तो आप इंटरेस्ट ऑन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2 लाख तक आप बेनिफिट ले सकते हो। बाकी डिस्कशन मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी में बताऊ, ठीक है? बाकी डिस्कशन हाउस प्रॉपर्टी में बताऊ, क्योंकि देखो सर ये सब स्पेसिफिक बात हो जा रहा है ना। अब ज्यादा स्पेसिफिक चले जाएंगे तो टोटल इनकम कम और स्पेसिफिक हेड में ज्यादा डिस्कस हो जाएगा। और मैं आपको अभी टोटल इनकम का डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि ईच एंड एवरी हेड कितना वाइटल है। क्योंकि आपके सामने कभी भी कोई भी क्लाइंट आ सकता है, चाहे मिस हार्ली हो या मिस्टर हार्ली है, मिस डेविड हो या मिस्टर डेविड, या मिस कृष्ण जी हो या शिव जी, कोई भी आ सकता है आपके सामने, है ना सर? तो आपके सामने आके वो अपना सारा इनकम डिटेल्स देके बोल सकते हैं कि भाई मेरा टैक्स कैलकुलेट करके दो। अब उसका हाउस प्रॉपर्टी हेड से इनकम हो सकता है, उसका अदर सोर्स हेड से इनकम हो सकता है, उसका सैलरी हेड से इनकम हो सकता है, उसका पीजीपीपी से इनकम हो सकता है। आप बोलोगे कि मेरे को सब हेड का नॉलेज चाहिए। अब ये सर सवाल मत करना कि सर कौन सा हेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बता दो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने वाले हो, कॉस्ट अकाउंटेंट होने वाले हो, ऐसा मतलब बुद्धू सा सवाल मन में नहीं आना चाहिए कि कौन सा हेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम कभी भी आपको कुछ भी सवाल कर सकता है, ठीक है? क्योंकि क्लाइंट आपके सामने कभी भी कोई भी इनकम लेके आ सकता है। तो ऐसा कोई चीज होता नहीं है कि ये हेड ज्यादा इनकम, ये बीकॉम टाइप एग्जाम थोड़ी है सर। हाँ, लास्ट 4 साल में ऐसा ये पूछा है तो अगला 1 साल में ये नहीं पूछेगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। ओके सर, आगे देखो। इंटरेस्ट ऑन लोन 97,500, हाँ सर, 82,500 और 97,500 दोनों मिला के आपका कितने का माइनस हो जाएगा? 1,80,000। थैंक यू सर। 1,80,000। अच्छा, ये माइनस होने के बाद, ये इंडिविजुअल हेड में माइनस होने के बाद क्या वैल्यूएशन पड़ा? 95,000। आउटर कॉलम में निकाल दो, ठीक है? तो ये आधा सोर्स, मुझे लगता है कि हाउस प्रॉपर्टी में और कुछ है नहीं। अब आगे देख लेते हैं, इसका और क्या हेड है इसमें? अदर सोर्स है ना सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। थैंक यू सर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैश गिफ्ट्स received from non-relative, हाँ सर, देखो क्वेश्चन चेक करो। non-relative से आपने कैश गिफ्ट लिया, अच्छा कैश गिफ्ट received from non-relative is chargeable to tax as per section, क्या होगा? बहुत vital section, section 2 clause 10, 56 subsection 2 clause 10, thank you sir, ठीक है, बहुत vital section। अच्छा, if the, लेकिन इसमें condition है, if aggregate value greater than या exceed, ऐसे बोलते हैं local language use करें तो, if aggregate value of such gifts exceeds 50,000, थैंक यू सर, एक्सीड्स रुपीज 50,000। अब मुझे बताओ क्वेश्चन के अंदर जो गिफ्ट हमें मिला था, मतलब मिस हार्ली को जो गिफ्ट मिला था नॉन रिलेटिव से, क्या वो 50,000 से ज्यादा है? ज्यादा मिला ना? फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड, ये रिलेटिव है कि नॉन रिलेटिव है? रिलेटिव है। और हस्बैंड की मैरिड सिस्टर? रिलेटिव है। थैंक यू सर। और ये हस्बैंड के क्लोज फ्रेंड? नॉन रिलेटिव। समझ गए आप लोग, बहुत अच्छा। तो बस इसी को पुट करना है। अब 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 को एक एक करके नाम लिख लिख के पुट कर देना है सर, और कुछ नहीं।
काम आसान हो गया सर, हम लोग ऐसे कर लेंगे ₹50,000 received from सर बोलती जो जेटा आपने लिखे जो नहीं कैश गिव रिसीव कोई 50,000 जेटा जेटा पॉलर नीचे नोट के लिखे दिले मैंने क्या मानूं कौन-कौन इता ये वाला कैश गिव रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव इज चार्जेबल टू टैक्स, नहीं सर इसको यहीं पर देने से अच्छा रहेगा क्योंकि आप क्वेश्चन यहां पर कर रहे हो ना कि आप किस तहत में इसको टैक्सेबल कर रहे हो, इसीलिए तो प्रोविजंस यहां पर लिखा ठीक है। इसका इसको नोट नहीं, नोट नोट अलग लेवल पे दिया जाता है, मैं अभी दिखाता हूं आपको नोट कैसे दिया जाना चाहिए ठीक है। ये तो मेन प्रोविजंस है ना, मेन प्रोविजंस को नोट में क्यों दोगे ठीक है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कि 50,000 से ऊपर अगर नॉन रिलेटिव से मिले तो उसे टैक्सेबल करना चाहिए है ना, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, इसको नोट में नहीं, नोट में जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट हो उसे आप नोट में डाल ठीक है। अच्छा 50,000 रिसीव फ्रॉम पेरेंट ऑफ हस्बैंड, पेरेंट ऑफ हस्बैंड वुड बी एग्जेम्प्ट 51,000 लिखो रीजन भी देना पड़ेगा, सिंस पेरेंट ऑफ हस्बैंड फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, ये रिलेटिव के डेफिनेशन के अंदर आता है एंड गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव, साथ में ये भी लिख दो एंड गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स, और ये हो जाएगा नेगेटिव। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रुपीज 11,000 के लिए, ₹11,000 received from, again एक ही बात होगा, married daughter of husband, married सर दोनों को एक ही जगह नहीं दिखा सकते, मतलब यहाँ पे relative parent और husband से वहीं पे इसको भी डाल के दोनों एक ही जगह डाल देते, relative से मिला इसके लिए taxable नहीं होगा सर, डाल सकते हो डालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 51,000 अलग है 11,000 अलग है, फिर आपको अलग से ढूंढना पड़ेगा कि वे कहाँ से कर दिए, हाँ मतलब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आप अलग अलग से वहां पर तो क्वेश्चन में तो अलग बोला है तो आप भी आंसर अलग ही दो ना। यस सवाल समझ रहे हो सर, क्वेश्चन तो आपको अलग से पूछा है, क्वेश्चन तो आपको एक साथ करके नहीं पूछा, तो फिर आप जवाब उसको एक साथ करके क्यों देना चाहते। मैं समझ सकता हूँ आप थोड़ा समय बचाने के बारे में सोच रहे मे बी, बट कोशिश करना सर कि जितना मतलब प्रेजेंटेशन सही हो ट्राई करना ठीक है, नहीं तो उसी के अंदर थोड़ा छोटा करके दिखा सकते। 11,000 रिसीव फ्रॉम, मैं यहाँ पर थोड़े डिटेल्स में इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रोविजन के साथ साथ बताना पड़ गया है, बाकी आप छोटा मोटा थोड़ा बहुत छोटा मोटा कर सकते हो, मेन पॉइंट सिंपल रख के। ₹11,000 रिसीव फ्रॉम मैरिड डॉटर ऑफ सिस्टर, मैरिड सॉरी मैरिड डॉटर क्यों लिखा, मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड, मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड, ये डेफिनेशन के रिलेट मतलब रिलेशन के अंदर आता है एंड देयरफॉर gifts from relative are not chargeable. तो अगर आप एक पॉइंट में देना चाहते थे दे सकते हो, बट आप एक काम करो मेन पॉइंट में लिखने के बाद आप दोनों पॉइंट को अलग करके दिखा दो, मतलब यहाँ से थोड़ा सा एरो खींच के कि इसके लिए मैंने इसको अलग नॉट चार्जेबल टू, मैं आपको वही बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अलग से पूछा है इसलिए जवाब भी अलग से देना पड़ रहा है, अगेन नहीं ठीक है। ये दोनों पॉइंट गुमराह करने के टाइम पे टाइप का था, बट अगर आपको पॉइंट पता है प्रोविजंस पता है आप गलत नहीं करोगे।
गिफ्ट रिसीव फ्रॉम टू फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स ऑफ हस्बैंड 151,000 and 21,000 कुल मिला के एग्रीगेट करके कितना एग्रीगेटिंग 172,000 एग्रीगेट में कितना हो जा रहा है सर 172,000 172,000 ये टैक्सेबल है सर है ना ऑलरेडी आप लोग जवाब दे चुके हो तो 172,000 को हम लोग टैक्सेबल करेंगे तो 172,000 यहाँ पर देखे आउटसाइड में भी 1,00,000 तो कुल मिला के यहाँ पर 172,000 ही होगा ठीक है 172,000 यहाँ पर मेरा जगह नहीं था तो मैं एक काम कर देता हूँ इसके लिए एक वर्किंग नोट या नोट बोल के मैं दिखा देता हूँ ठीक है जैसे मैं यहाँ पर नोट दिखा रहा था अब नोट टू में मैं इसको दिखा रहा हूँ ठीक है अब नोट टू बोल के इसको दे सकते हो If the aggregate value of taxable gifts received from non-relative exceeds ₹50,000 during previous year the entire amount received baki details discussion hum log other source mein karke abhi aaye the entire amount received that is aggregate value of taxable gifts ठीक है 172,000 taxable under section 56 subsection 2 past tense ठीक है ये हो जाएगा आपका नोट बाकी इधर आपका हो गया ये कैलकुलेशन इधर आपका हो जाएगा तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 172,000 और टोटल 90 इधर कितना हुआ था 95,000 था इधर और इधर 172,000 कुल मिला के कितना हो जाएगा सर टोटल इनकम 67,000 267,000 मतलब 267,000 या फिर 267,000 ये हो गया आपका टोटल इनकम और कुछ तो इनकम इसका है नहीं सर हाउस प्रॉपर्टी से कमाया और अदर सोर्स से कमाया तो 267,000 पे अभी देख लेते हैं कि इसका क्या टैक्स लाइबिलिटी होने वाला है क्या टैक्स लाइबिलिटी होगा सर बोलो इस हार्ली का कुछ नहीं होगा क्या आप सबको वही लगता है रिबेट पे ये रिबेट मिल जाएगा यस बस आप लोग भारत सरकार को पूरा एकदम ठेंगा दिखा दो हर केस में फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 21-22 सरकार बोलेगा हम तो बैठे बैठे ठेंगा खाएंगे ठेंगा दिखा देंगे सर सर को मारते हैं हम लोग ऐसे सरकार को पैसा कह देते हैं सरकार को कमाते हैं हम लोग सरकार को पैसा कह देते हैं वो कमाए वो खर्चा करे पर्टिकुलर अमाउंट फिर देश में जब कुछ काम नहीं होता है देखो कैसा सरकार है कुछ नहीं करता है एक हमारा दीदी पश्चिम बंगाल में हम सब दे दिए क्या नहीं किए बोलो आपके लिए और एक है मोदी जी वो भी ये बनाया वो बनाया सब अब जब कुछ नहीं बनेगा
फिर हम लोग चिल्लाएंगे, देखो कैसा सरकार है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं मिलता। हाँ चलो ठीक है, सब अपना अपना काम है। टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 2,67,000, ठीक है सर, क्या होगा अप टू 115 बीएससी अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल करें अप टू 2.5 लाख टू 5 लाख, लेकिन 5 लाख तक नहीं जाएंगे, फ्रॉम 2.5 टू 2.67 लाख तक जाएंगे। कितना वैल्यूएशन होता है सर, 2.5 लाख से 67 मतलब 17,000 ना, 17,000 का डिफरेंस है, 17,000 का 5% कितना होता है, 850, 850 850, ठीक है दिखाना पड़ेगा। अच्छा 850, इसके ऊपर अगर हम लोग एडुकेशन हेल्थ एंड एडुकेशन स्टेज लगा देंगे, एट द रेट 4%, 850 पे 4% लगाओ 34, कुल मिला के 884, ये हो जाएगा आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी, और इसको राउंड ऑफ कर देना पड़ता है सर, टोटल टैक्स लायबिलिटी नियरेस्ट 10 पे राउंड करना पड़ता है, नियरेस्ट 10 जैसे कि 884 का नियरेस्ट 10 का क्या है, मल्टीपल ऑफ 10, 880 है ना, तो इसको राउंडेड ऑफ कर देंगे, ये हो जाएगा 880, ठीक है। अब इसके बारे में आगे आगे मैं आपको सेक्शन वाइज भी बात कर लूंगा, लेकिन सर टैक्सेबल होगा सर, इनको रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है, 87A का, 87A के तहत आप लोग जो सोच रहे थे वो इनके लिए नहीं है, देखा फिर से सिली मिस्टेक, ये नॉन रेसिडेंट के लिए होता है क्या, लास्ट दिन का जो मैंने लिखा था आपको नोट्स उसी के अंदर देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, यस्टर वीक का जो मैंने क्लास आपको करवाया था उसमें आप 87A चेक करो, 87A कब नहीं मिलता वो लिखा हुआ है, ऐसा छोटा मोटा गलती नहीं करते हैं सर, पूरा काट देगा, इतना मेहनत पानी में चला जाएगा। सिंस मिस हार्ली इज अ, ये नोट 3 है, सिंस मिस हार्ली इज अ नॉन रेसिडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड सर, फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 21-22, रिबेट अंडर सेक्शन 87A वुड नॉट बी अवेलेबल, इवन दो हर इवन दो हर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 लाख, तो भले ही उसका इनकम 5 लाख क्रॉस ना भी करे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है 21-22 में, उसे रिबेट नहीं मिलेगा। और एक चीज आपके मन में चल रहा होगा 115 के बारे में, अगर 115 बीएससी भी वो अप्लाई करता, ठीक है, तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस हार्ली वुड बी द सेम इवन इफ शी ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115,
BSE. Since C would be एलिजिबल फॉर डिडक्शन, अब उनको वो हाउस प्रॉपर्टी वगैरह में डिडक्शन मिला, एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन. In respect of let out property. Under regular provision. As well as. Section 115 DAC of. Income Tax Act 1961. मतलब चाहे वो 115 BSE भी लेता तब भी उसे हाउस प्रॉपर्टी का जो सेक्शन का अवेलेबल हुआ वो भी होता, और 115 BSE में भी तो पहला इंटरेस्ट रेट 5% ही है करके देखना, ठीक है, उसको सिमिलर कॉन्सेप्ट होता, उसमें भी सेम एप्लीकेबल होता, ठीक है. तो ये हुआ क्या, ये हम लोग कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने, रेजिडेंशियल स्टेटस देखे, अदर सोर्स देखे, हाउस प्रॉपर्टी देखे, ठीक है, सारा प्रोविजंस को भी जहां जहां जरूरत है डिस्कस किए और फिर इसका जवाब को कंप्लीट किए. लेकिन इसमें इस क्वेश्चंस में और एक पॉइंट था, वुड हर रेजिडेंशियल स्टेटस अंडरगो एनी चेंज, क्या उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता, अज्यूमिंग दैट शी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये मान लो कि वो इंडियन ओरिजिन के है, इंडियन ओरिजिन का मतलब ही होता है कि उनका माता पिता में से कोई भी भारत से है, ठीक है, अगर 47 से पुराना भी बात है, 1947 का पुराना बात भी अगर है, अगर वो आज का कराची लाहौर या बांग्लादेश में ढाका चट्टग्राम ये सब जगह में भी अगर पैदाइशी है, फिर उस टाइम पे भारत से बाहर चला गया था, ठीक है, जैसे करेंटली जो ऋषि सुनक, हाँ सर ऋषि सुनक कौन है जानते हो आप लोग, अरे ऋषि सुनक कौन है, नहीं पता, ऋषि कश्यप के बारे में पता है, ऋषि कश्यप नहीं रे पता, ऋषि कश्यप तो कश्मीर के जिनके नाम पे कश्मीर है उन्हीं के उन्हीं का गांव था सर कश्मीर, वो तो अलग, वो तो पुराण का बात कर रहे हैं, मतलब हिस्ट्री का बहुत पुराना बात है, वेद का बात, मैं बोल रहा हूँ ऋषि सुनक जो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड है सर, यस सर सुने, ऋषि सुनक का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड करेंटली यूके का प्राइम मिनिस्टर है, और हम लोग भी यूके का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका अगर आप हिस्ट्री देखोगे ओरिजिन का तो इंडियन ओरिजिन है, और उसने इंफोसिस का जो चेयरमैन है नारायण मूर्ति सर की बेटी को शादी भी किया है, ठीक है, लेकिन उसका और एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी है कि ऋषि सुनक का जो पापा थे वो मोस्ट प्रोबेबली पंजाब के जलंधर से थे, फिर बाद में वो लोग बिफोर इंडिपेंडेंस 47 से पहले ही वो लोग लाहौर शिफ्ट हो गए थे मोस्ट प्रोबेबली, थोड़ा बहुत इधर उधर है बट पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, फिर पाकिस्तान से वो लोग आज का पाकिस्तान तब का भारत, फिर वो लोग वहां से इंग्लैंड चले गए थे, ठीक है, पहले साउथ अफ्रीका गए थे फिर इंग्लैंड चले गए, तो फिर वो इंडियन ओरिजिन होंगे कि पाकिस्तान ओरिजिन होंगे, इंडियन ओरिजिन क्यों था, क्योंकि 47 के पहले का जो पाकिस्तान है, ठीक है, वो तो इंडिया है, ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसका आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है, उसको खुद ही नहीं पता कि वो कौन है, यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा चिंता का बात है सर, पैसा वगैरह तो छोड़ो, लेकिन इंसान का जब आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाए ना कि मैं कौन हूँ, पॉकेट में 2-4 पैसा कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, इंसान को ऊपर वाला जन्म देता है, खाना पीना सबको मिलता है, लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता कि आप कौन हो, जैसे कि पाकिस्तान का आज का हालत वही जा रहा है सर, उन लोगों को खुद ही नहीं पता कि वो कौन है, बस झगड़ा करने में आता है, चलो छोड़ो. अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब सुन लो कि क्या जवाब मिलेगा,
रेसिडेंशियल थोड़ा लिखते हुए चलो समझा देता हूँ. स्टेटस ऑफ मिस हार्ली इन केस सी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हर टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स एक्सीड्स 18 लाख. ठीक है, अगर उनका टोटल इनकम इंडियन सोर्स का 18 लाख है, 18 लाख क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करें सर? सर प्रोविजंस को लिखो, मैं समझा देता हूं. इफ सी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हर टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स. अच्छा, हमारे क्वेश्चन में उसका इनकम कितना जा रहा है सर? हमारे क्वेश्चन में उसका इनकम कितना जा रहा है? 18 लाख बोला है ना. तो क्वेश्चन मतलब नॉर्मली क्वेश्चन बोला है 18 लाख, बट रूल्स कहता है 15 लाख. ठीक है, इफ सी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हर टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स एक्सीड्स 15 लाख, एटीन लाख इन हर केस, ऐसे केसेस में द कंडीशन ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 120 डेज, तो भारत में रहने का जो टाइम पीरियड है वो अगर 120 दिन क्रॉस कर जाता है 120 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर मतलब 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, थ्री सिक्सटी फाइव डेज ड्यूरिंग फोर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर वुड बी एप्लीकेबल फॉर बीइंग ट्रीटेड as a resident. 120 दिन भारत में और उससे पिछले 4 साल में 365 दिन अगर हो जाए तो उसे भारत का रेसिडेंट मान लिया जाए. ठीक है, एज ए रेसिडेंट 3 साल स्टे. लेकिन अभी देखो यहां पर सीन्स हर स्टे इन इंडिया जैसे 177 दिन रहा है ना, 177 डेज रहा है ना, 120 दिन से ज्यादा रहा है, ये सुनो. तो सीन्स हर स्टे इन इंडिया एक्सीड्स 120 डेज, ये तो प्रूफ, ये तो फुलफिल हो रहा है. एक्सीड्स 120 डेज ग्रेटर देन 120 दिन इन प्रीवियस ईयर 21-22. बट द क्वेश्चन इज दैट पीरियड ऑफ फोर प्रीवियस ईयर का क्या करें. बट द period of her stay in India during 4 immediate preceding previous year
for immediate preceding previous year is कितना less than 365 days, कितना दिन रहा है वो पिछले चार साल में? Only 16 days in our case, already calculate कर चुके हैं सर हम लोग ये सब बातें. अरे calculation सब हो चुका है कि नहीं? Only 16 days. Our residential status क्या हो जाएगा फिर? As per section 6, subsection 1, would continue to be the same. Continue to be same. That is, non-resident of India. Again, they are non-resident in India. Further, she is not a citizen in India. The provision of section 6 subsection 1A deeming an individual, इसमें डीमिंग प्रोविजन है, डीमिंग एन इंडिविजुअल, ये मैं रेसिडेंशियल स्टेटस पे आपको बताऊंगा, डीमिंग एन इंडिविजुअल टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया वुड नॉट गेट अट्रैक्टेड इन हर केस, वुड नॉट गेट अट्रैक्टेड in her case even though she is a person of Indian origin. And her total income from Indian source and our total income in Indian source greater than 15 lakh and she is not liable to tax in UK, not liable to tax in UK. Therefore, plus points on. Set back cool. Good chida. Our residential status. Our residential status would be non-resident. In India for the previous year 21-22, assessment year 22-23. लिख लिया सर? यस सर. फिर बेसिकली सेकंड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या मतलब निकला सर? जो सेकंड क्वेश्चन था हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर, इसमें हमें रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस में और एक दूसरा सवाल किया गया था, वुड हर रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर गो एनी चेंज अस्सुम दैट शी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड दैट हर टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स इज 18 लाख एंड शी इज नॉट लायबल टू टैक्स इन यूके. तो यूके में वो टैक्स लेवल नहीं है और उसका इंडियन सोर्स ऑफ इनकम 18 लाख क्रॉस कर रहा है, मतलब 15 लाख क्रॉस कर रहा है, जो वो कमा रहा है 18 लाख, नॉर्मल प्रोविजन से 15 लाख क्रॉस करना है, ठीक है? तो
तो ये बेसिकली ये पॉइंट पे बात करता है, जब ऐसा सिचुएशन होता है कोई इंडियन ओरिजिन जो 15 लाख से ज्यादा कमाता है, ठीक है, कोई इंडियन ओरिजिन अगर 15 लाख से ज्यादा कमाता है इंडिया में प्रीवियस ईयर में, तो इन दैट केस उनके रेसिडेंशियल स्टेटस काउंट करने के लिए 120 दिन वो इंडिया में है या नहीं वो देखना पड़ता है, और पिछले चार साल में मतलब प्रीवियस फोर ईयर में हमें ये देखना पड़ता है कि वो इंडिया में पिछले चार साल में वो इंडिया में 365 डेज रहा है, तो 120 डेज एंड 365 डेज इन फोर इमीडिएट मतलब जैसे मानो कि अगर आप 21-22 का कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसके पिछले चार साल, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो रेसिडेंट हो जाएगा, लेकिन हमारे केस में वो 120 दिन की जगह 177 दिन है इंडिया में, लेकिन पिछले चार साल में 365 की जगह हार्डली 16 डेज है, तो रेसिडेंट तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो नॉन रेसिडेंट कैटेगरी में ही होगा। लेकिन साथ में और एक डीमिंग प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होता है, दैट इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A के तहत, जो मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस कराने के टाइम पे थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा। सी इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A एप्लीकेबल होता है डीमिंग ऑन इंडिविजुअल टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया वुड नॉट गेट अट्रैक्टेड इन हर केस इवन दो सी इज ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हैज टोटल इनकम ऑफ इंडियन सोर्स 15 लाख से ज्यादा है एंड सी इज अ सी इज नॉट लायबल टू टैक्स इन यूके। यूके में वो टैक्स नहीं दे रहा है, 15 लाख भारत से ही कमा रहा है, तो डीमिंग प्रोविजंस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका डिस्कशन मैं आपको रेसिडेंशियल में जब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 करवाऊंगा तभी आपको डिटेल्स में समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल बस इतना समझ लो कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट ये है कि क्योंकि 120 दिन और 365 का कॉन्सेप्ट फुलफिल नहीं हुआ तो उसे हम भारत का रेसिडेंट नहीं कहें, ठीक है, और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस भारत में 21-22 में प्रीवियस में जैसे हम लोग नॉर्मल में देखा कि वो नॉन रेसिडेंट रहा, यहाँ पर भी वही हो रहा है, वो नॉन रेसिडेंट ही हो रहा है, भले ही उसका इनकम 15 लाख क्रॉस कर रहा है, भले ही वो इंडियन ओरिजिन का है, भले ही वो 120 दिन इंडिया में है 120 दिन से ज्यादा, लेकिन पिछले चार साल में वो 365 दिन तो इंडिया में है नहीं, तो ये वाला केस फुलफिल नहीं होने के कारण वो इंडिया में नॉन रेसिडेंट। ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, डिटेल्स चर्चा मैं करूंगा आपके साथ रेसिडेंशियल स्टेटस पे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें आपको क्या हुआ ना टोटल इनकम का एक आइडिया लग गया सर, ठीक है, आपको टोटल इनकम का एक आइडिया लग गया कि टोटल इनकम को समझने के लिए आपको हर एक चैप्टर को कितना फोकसली करना पड़ेगा, मतलब फ्रॉम रेसिडेंशियल स्टेटस से लेके ईच एंड एवरी हेड क्लबिंग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हर एक चैप्टर में आपको उतना ही मेहनत करना चाहिए, मतलब जितना आप शायद सोचते होंगे कि क्या पता इसका क्या यूज है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये तो बस मैंने आज दो सोर्स यहाँ पर था इस क्वेश्चन के अंदर, एक था अदर सोर्स और एक था हाउस प्रॉपर्टी। कल एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें सैलरी भी रहेगा, बीपी भी रहेगा, सीजी भी रहेगा, ठीक है, भले आप बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जिनको सारा हेड नहीं हुआ है बट उनको एक आइडिया मिल रहा है कि इनकम टैक्स कंप्लीटली कैसे करना पड़ता है फ्रॉम रेसिडेंशियल स्टेटस से लेके एकदम टैक्स लायबिलिटी तक का कॉन्सेप्ट है। और एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद मैं आप लोगों को टोटल इनकम पे और ज्यादा बात नहीं करूंगा। क्यों जानते हो? क्योंकि टोटल इनकम में मैं फिर से आऊंगा जब बाकी सारा हेड कंप्लीट एक बार हो जाएगा, ठीक है। क्यों? अभी जस्ट एक आइडिया देना था कि टोटल इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, इसका एक जानकारी ले लो। अब आगे और एक दो क्वेश्चन करने के बाद मैं अभी टोटल इनकम को बंद कर दूंगा। फिर टोटल इनकम कब करना है? जब सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर टोटल इनकम। लेकिन तब तक आप इतना आइडिया तो दिमाग में भर के चलोगे ना कि हमें किस तरह से ईच एंड एवरी चैप्टर को पढ़ना चाहिए ताकि कुछ भी सवाल पूछे, कोई भी पॉइंट उठा के सवाल करे, हम जवाब दे सके, ठीक है। ठीक है सर, आज इतना ही मैं रखूंगा। ओके अंश, अर्को, हाँ बोलो। कॉन्सेप्ट कौन था? 115 BAC एक तो कॉन्सेप्ट अगर बोल, मैंने ये मैंने जरे नोट जरे 115 BAC जो मैं लिखाया, 115 BAC अगर तुम अप्लाई करके देखना, 115 BAC का टैक्स रेट तो तुम लोगों को लिखा हुआ है सर, है ना, यू ऑल नो। ऐसे 115 BAC का भी पहला स्लैब क्या है? 5% ही है ना? हाँ सर। तो 115 BAC का भी पहला स्लैब 5% है, तो इस जो मिस हार्ली का जो इनकम है वो कितना रहा? 2,67,000 2,67,000 पहला स्लैब नहीं आ जा रहा है।
ठीक है, मतलब इनकम टैक्स में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ही, साथ में आप अगर कोई होम लोन ले रहे हो, एक प्रॉपर्टी लोन ले रहे हो, उसका इंटरेस्ट का भी जो छूट आपको मिल रहा है ना, वो 115(b)(c) में भी अवेलेबल है सर। इसीलिए वहां पर ये लिखना पड़ा कि अगर मिस हार्ली सेक्शन 115(b)(c) भी यूज करता तो भी उसका टैक्स लायबिलिटी वही होता, इसीलिए वो नोट्स অঙ্কটার জন্য মানে যেহেতু এখানে 2.5 লাখের জাস্ট নিচে মানে 2,67,000 অফ দি ইনকামটা হয়েছে, এত একটু अगर कोई दूसरा अगर स्लैब बढ़ जाता, अगर स्लैब बढ़ जाता ठीक है, अगर अगर इनकम और बढ़ जाता तो आप अगर आपको 115(b)(c) में सस्ता पड़ता ठीक है, मतलब टैक्स लायबिलिटी कम होता तो उसको ले लेते। यस सर, यस ठीक है। देखो सर, जब भी टैक्स कॉन्सेप्ट करो ना, तो किताब में क्या लिखा है इससे भी बड़ी बात है, आपको क्लाइंट को हेल्प करना है तो लॉजिक लगाना कि अगर क्लाइंट को ज्यादा बेनिफिट उसमें मिलेगा एज पर प्रोविजंस, तो हमें वही वाला आंसर होना चाहिए ठीक है। और जब आपके क्वेश्चन के जवाब में भी ना वो झलकना चाहिए ठीक है, वो झलकना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर प्रोफेशनल लेवल में इतना उम्मीद रखता है आप लोगों से। ठीक है, ओके सर, ठीक है, चलो बाय बाय सर। ठीक है, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय बाय सर, हाँ, टाटा।